हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम है मयंक भदौरिया एंड टुडे वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर लीनियर साइमिल इस टॉपिक में हम क्या करेंगे यहाँ पे कुछ टू वेरिएबल्स की इक्वेशन होंगी सो वी कन्वर्ट देम इनटू अ लीनियर इक्वेशन एंड देन जो हमने तीन मेथड पढ़े हैं सब्सटीटूशन मैथड एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोई भी हम यूज करके उन्हें सॉल्व करेंगे ये तीनों मेथड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं इनके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ट स्टार्ट सो हे वी हैव ए क्वेश्चन टू बाय एक्स प्लस टू बाय थ्री वाई इक्वल टू वन बाय सिक्स एंड सेकेंड इक्वेशन है टू बाय एक्स माइनस वन बाय वाई इक्वल टू वन ये टू वेरिएबल की इक्वेशन है हमें इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है ओके तो हम ये सब कैसे करेंगे हम कुछ सब्सटीट्यूशन करेंगे जिसके थ्रू ये हम कन्वर्ट कर सकें ओके okay. हेयर वॉट वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट इन प्लेस ऑफ वन बाय एक्स ए एंड इन प्लेस ऑफ वन बाय वायक्ल टू बी जहां पे वन बाय एक्स है तो वहां हम ए कर लेंगे तो so, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी दिस विल बिकम टू ए प्लस टू बाय थ्री बी इक्वल टू वन बाय सिक्स हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहां पे एलसीएम लेंगे तो दिस विल बिकम सिक्स ए प्लस टू बी अपॉन थ्री एंड इक्वल टू वन बाय सिक्स तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से देखो थोड़ा सा शॉर्ट भी हो सकता है ये किया ये किया तो थ्री हो जाएगा ठीक है तो so, ये हो जाएगी हमारी ट्वेल्व ए प्लस फोर बी इक्वल टू वन तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन ओके नाउ सेकेंड इक्वेशन इज टू बाई एक्स माइनस वन बाई वाई तो दिस इज दिस विल बिकम टू ए माइनस बी इक्वल टू वन ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन तो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई हेयर एलिमिनेशन मेथड आप सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बट यहां पे छोटा पड़ेगा तो हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे ठीक है तो एलिमिनेट करने के लिए मैं चूज कर रहा हूं बी तुम लोग ए से भी स्टार्ट कर सकते हो तो ट्वेल्व ए प्लस फोर बी इज इक्वल टू वन और नीचे वाली इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे फोर का मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय फोर सो दिस विल बिकम एट ए माइनस फोर बी इक्वल टू फोर नाउ प्लस फोर बी एंड माइनस फोर बी ये कैंसिल हो जाएंगे ट्वेल्व ए प्लस एट ए विल बिकम ट्वेंटी ए एंड फाइव सो ए इज 5 बाई ट्वेंटी दैट इज 1 बाय फोर तो वेन ए इज 1 बाई फोर हमारा एक्स कितना हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4. क्लियर सेम अब हमें यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालनी है ठीक है तो एक्स की वैल्यू रखोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है तो पहले हम बी की वैल्यू निकाल देते हैं उससे हम लोग अपने वाई की वैल्यू निकाल देंगे तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन में रख रहे हैं वी आर यूजिंग सेकेंड इक्वेशन क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेट करने में इजी है तो ए की वैल्यू हमारी है वन बाई फोर सो टू इंटू वन बाई फोर माइनस बी इज इक्वल टू वन सो दिस वेल वेकम वन बाई टू माइनस वन इज इक्वल टू बी सो वन माइनस टू बाई टू इज इक्वल टू बी माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू बी तो अब इसका क्या आ जाएगा तो वाई इज माइनस टू एक्स की वैल्यू हमारी फोर आ गई एंड वाई की वैल्यू माइनस टू नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन है सेवन एक्स माइनस टू वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू फाइव एंड सेकेंड इक्वेशन इज एट एक्स प्लस सेवन वाई अपॉन एक्स वाईक्वल टू फिफ्टीन तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे पहले हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो सेवन एक्स माइनस टू वाई टू फाइव एक्स वाई ठीक है ये तो हमने यहाँ पे क्या किया XY को मल्टीप्लाई कर दिया है फाइव से और यहाँ पे एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया है फिफ्टीन से तो ये हमारी इक्वेशन हो गई है एट एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू फिफ्टीन एक्स वाई ठीक है अब इसे कन्वर्ट करना है हमें अपने लीनियर इक्वेशन फॉर्म में जो हमारी फैमिलियर इक्वेशन होती है यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई होता है ये एक्स वाई वाला टर्म तो यहां पे आ रहा है ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे डिवाइड होल इक्वेशन बाय वाई यहां पे पूरी इक्वेशन को हम लोग एक्स वाई से डिवाइड करेंगे एक्स वाई से यहां पे आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि वी आर डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन बाय एक्स वाई तो वेन यू डिवाइड दिस इक्वेशन विल बिकम सेवन अपॉन वाय माइनस टू अपॉन एक्स इज इक्वल टू फाइव एंड सेकेंड इक्वेशन इज एट अपॉन वाई प्लस सेवन अपॉन एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन अब इसके आगे क्या करना है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पहले एग्जांपल जो मैंने दिया था उसमें कि वी विल लेट वन बाय वाई एंड वन बाय एक्स इन पी क्यू और एर और बी ये तुम्हारी चॉइस है तो लेट वन बाय वाई इज इक्वल टू ए एंड वन बाय एक्स इज इक्वल टू बी हमने वहां पे वन बाय एक्स को एलट किया था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सो इक्वेशन इज सेवन ए माइनस टू बी इज इक्वल टू फाइव एंड एट ए प्लस सेवन बी इज इक्वल टू फिफ्टीन क्लियर अब हम यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड में बार बार यूज कर रहा हूं इजी पड़ता है क्रॉस मल्टीप्लाई में कैलकुलेशन काफी लंबी हो जाती है और हो सकता है साइन की गलती होने के भी चांसेस रहते हैं तो ठीक है जब तक बोला ना जाए तब तक आप वो मेथड यूज करो जिसमें आप सबसे कन्वीनियंट हो यहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे इजी एलिमिनेशन है सबसे भी यूज कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं आंसर सब में सेम आएगा और सही आंसर पे ही मार्क्स मिलेंगे ओके okay? तो अब हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे सो so, 7a ए माइनस टू इक्वल टू फाइव एक के नीचे एक लिखते हैं एंड 8a ए प्लस सेवन इज इक्वल टू फिफ्टीन अब यहां पर हम एलिमिनेट कर रहे हैं बी को तो ये इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 से और यहां मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ये पूरी इक्वेशन हो रही है यहां पर इक्वेशन मल्टीप्लाई किससे होगी टू से तो फर्स्ट इक्वेशन इज फोर्टी नाइन ए माइनस फोर्टीन बी इक्वल टू थर्टी फाइव एंड सेकेंड इक्वेशन सिक्सटीन ए प्लस फोर्टीन बी इक्वल टू थर्टी ठीक है सॉल्व so, करते फोर्टीन बी एंड फोर्टीन बी कैंसिल फोर्टी नाइन प्लसटीन सिक्सटी फाइव ए एंड थर्टी फाइव प्लस ए की वैल्यू वन आ जाएगी तो बी की भी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी सॉरी ए की वैल्यू वन आ जाएगी तो एक्स की वैल्यू भी हमारी आ जाएगी वन तो एक्स इज इक्वल टू वन क्योंकि वन अपॉन वन में क्या होता है वन ही रहता है ठीक है तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट आंसर अब हम एक ही वैल्यू पुटअप करेंगे तो हम इस इक्वेशन को चूज करते हैं क्योंकि तो देखने में थोड़ा सा छोटा लग रहा है या ये भी यूज कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता तो सेवन ए चलो इसी को लेते हैं ये सेवन ए माइनस टू बी इज इक्वल टू फाइव ए इज इक्वल टू वन तो दिस विल बिकम सेवन इन टू वन तो माइनस इज इक्वल टू माइनस 5 minus 7, so this will become minus 2. So b is equal to 1. So, हमारा y की value भी कितनी आ जाएगी? 1. So x is equal to 1 and y is equal to 1. दोनों की value हमारी 1 रहेगी, okay? अब एक दूसरा example देखते हैं. So this is the next question. 20 upon x plus 1 प्लस फोर अपॉन वाई माइनस वन इक्वल टू फाइव दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन इज टेन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस फोर अपॉन वाई माइनस वन इक्वल टू वन अब देखो देखने में बट हम लोग करेंगे वही जो हमने पहले किया था वन अपॉन एक्स वहां पे था यहाँ पे वन अपॉन एक्स प्लस वन है ठीक है तुम लोग अगर कभी क्वेश्चन में आता है वन अपॉन टू एक्स प्लस फाइव या टू एक्स प्लस थ्री तो वहां पे भी कंफ्यूज नहीं होना है. हम उसको वन अपॉन टू एक्सप्लेस वन को भी ए लेट कर लेंगे ठीक है तो ये याद रखना है कि हमें एक नंबर सब्सिट्यूट करना है ए बी सी फॉर्म में तो जो भी वैल्यू दी होगी हम वहां पे उसको लेट कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है वन अपॉन एक्सप्लेस वन को ए लेट किया एंड वन अपॉन वाई माइनस वन को बी लेट किया तो इक्वेशन बन गई ट्वेंटी ए प्लस फोर बी इक्वल टू फाइव एंड टेन ए माइनस फोर बी इक्वल टू वन तो ये सिंपल यहाँ पे कट हो जा रहा है हम यहां से करते हैं ये फोर और ये फोर कैंसर तो दिस विल बिकम थर्टी ए इज इक्वल टू सिक्स तो ए इज सिक्स अपॉन थर्टी मीन्स वन अपॉन फाइव क्लियर और यहां से बी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं तो वन बाई फाइव जब पुट करेंगे हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं तो टेन इंटू वन अपॉन फाइव माइनस फोर बी इज इक्वल टू वन फाइव से ये टू टाइम्स में गया तो माइनस फोर बी इज इक्वल टू माइनस टू सॉरी ये हो जाएगा वन माइनस टू तो बी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन माइनस फोर यानी वन अपॉन फोर क्लियर तो ए की वैल्यू आ गई बी की वैल्यू आ गई तब हम इसे दोबारा यहां पर पुटअप करते हैं ए क्या था वन अपॉन एक्स प्लस वन के बराबर तो वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई तो दिस वेल बिकम एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फाइव एक्स इज इक्वल टू फोर फाइव माइनस वन फोर इजली हो गया अब दूसरे करते हैं वन अपॉन वाई माइनस वन Is equal to B and B की वैल्यू आई हमारी तो यहाँ पे ये यह भी कर सकते हैं ऑन कंपेयरिंग डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कंपेयर कर दें या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी कोई बात नहीं है हम लोग का आंसर तो यही आएगा कि y माइनस वन इज इक्वल टू फोर इट मींस y इज इक्वल टू फाइव तो देखने में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा था इसी तरह आगे जब एक्सरसाइज करेंगे एम एल अग्रवाल में है तो वहां पे आता है कि टू एक्स प्लस थ्री बाय एंड थ्री एक्स माइनस टू बाय तो वहां पे भी सेम है टू एक्स प्लस थ्री वाई को हम ए लेट कर लेंगे, और को हम कर लेंगे। और उसके बाद हमारा दो बार मेथड हो रहा है एक बार हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो ए और बी की वैल्यू निकाली ठीक है ये फर्स्ट टाइम हुआ और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड टाइम हमने वैल्यू निकाली ठीक है अब होगा क्या जब तुम लोग एक्स प्लस टू वाई के जैसे मैंने कहा कि एक क्वेश्चन है जिसमें थ्री एक्स प्लस टू वाई तो वहां पे इधर इक्वेशन फॉर्म होगी यहाँ पे जहां सेकंड हम लोग का लिखा हुआ है मैंने यहाँ एक्स प्लस वन है तो सपोज यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्ल वाईक्वल टू फाइव एंड वाई माइनस एक्स इक्वल टू फोर तो तुम दोबारा वहां पे सब्सिट्यूशन मेथड लगाओगे या एलिमिनेशन मेथड लगाओगे और वहां से x और y की वैल्यू आ जाएगी ठीक है तो उससे देख के थोड़ा सा डरना बिल्कुल नहीं है बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट मेन होता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है एक तो देखो बाहर से पेपर आना है तो ये तो क्लियर फैक्ट है कि आप चाहे पूरी बुक भी लगा लो हो सकता है कि वो क्वेश्चन आए जो तुमने आज तक लगाया ना हो बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हें पता है तुमने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसे फर्क नहीं पड़ता और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हमारी प्रैक्टिस से तो अगर हमने बुक से प्रैक्टिस कर लिए तो इसका मतलब बुक के बाहर भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट क्वेश्चन आ जाए बट तो कॉन्सेप्ट के बाहर तो आएगा नहीं ठीक है तो फिर से इस चीज को ध्यान रखना इनकेस अगर एक्स प्लस वन की जगह एक्स प्लस वाई होता और ये यहाँ पे y -1 की जगह y माइनस एक्स होता तो इस यहां सेकेंड यहां पे लिखा हुआ है यहां एक दोबारा से इक्वेशन फॉर्म होती हम उसे फिर से अप्लाई करते या एलिमिनेशन मेथड और अपना आंसर निकाल लेते तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा एंड अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप सारी वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए मुझे पक्का पता है कि ये क्लियर हो जाएंगे ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो